सर आपका परिचय दीजिएगा पहले। जी मैं डॉक्टर सुजीत बनर्जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बाराद्वारी लीडिंग टावर, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज रोड से बोल रहा हूँ। सर, अभी हमने सुना है कि बच्चों को काफी पेरोटाइटिस एक वायरस फैल रहा है, वो काफी तेजी से फैल रहा है, क्या है जरा हमें बताइए सर। देखिए, ये एक वायरल फीवर ही कहिए आप, ये वायरल फीवर के साथ पैरोटाइटिड एक पैरोटाइटिस एक कॉम्प्लिकेशंस होता है, जिसमें हमारा लाला ग्रंथि जिसको बोला जाता है वो बड़े हो जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। किस एरिया में होता है? ये कनपट्टी से लेके और हमारा जो गाल जिसको बोलते हैं उसके बीच में, मैंने कनपट्टी के नीचे में एक ग्रंथि रहता है जिसका नाम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, जी तो ये अचानक से ये फैला कि इससे फैले भी ये? देखिए, ये सारा साल भर एक दो केस कभी कभार मिलते थे, लेकिन इन दिनों में फेब्रुआरी मिडिल से लेके अब तक इसका केस का संख्या काफी बढ़ा हुआ है और बहुत बच्चे आ रहे हैं, जिसमें कई बच्चों के थे। हम लोगों ने ये एमआईएलएच टेस्ट कराया तो एमआईएलएच टेस्ट में जो 20 होना चाहिए वो 300 तक पाया गया है, 300 तक? 300 तक। अच्छा, जी, तो ये कितने उम्र से बच्चों को देखा जा रहा है? मोटा कितने? मोटी आप समझ ले 2 ईयर्स अप टू 6 to 8 ईयर्स। 6 to 8 ईयर्स। हाँ, ये फैलने का क्या कारण है? क्या बच्चे जो बाहर खा रहे हैं या फिर क्या कारण हो सकता है देखिए, डॉक्टर? ये फैलने का ये एक वायरल फीवर है। अब ये वायरस फीवर का अंटिल और अनलेस इसका जांच हो कौन सा वायरस है, ये प्रॉपर अथॉरिटी जो स्टेट के होते हैं वो टेस्ट करके बता सकते हैं। ऐसे तो वायरस की टेस्ट संभव नहीं है लोकल लेबोरेटरी में, लेकिन जैसा प्रतीत होता है कि मम्स वायरस से ये चीज हो रहा है। अच्छा, इसे बचने के लिए क्या किया जाए जिससे बच्चे थोड़ा बच सकते हैं, या फिर घर में ऐसा क्या किया और किया कोई जाए? भी वायरल फीवर का बचने का तरीका एक ही होता है, जो दूरी बनाए रखे, 2 गज की दूरी जो हम कोविड में भी माने हैं वो। दूसरा, फ्रिक्वेंट अपना हैंड वॉशिंग करे, भीड़ भाड़ कोई भी गैदरिंग से बचे, और इस टाइप का फीवर के लिए जो पैरोटाइटिस है इससे बचने के लिए आप कॉमन थाली जिसमें खाना पीना खाते हैं उसको शेयर ना करें। उसको शेयर ना करें। हाँ, और खाने में क्या कुछ आप बता रहे थे, ये गरम गुनगुना? खाने में गुनगुना गर्म पानी आप पीते रहे, फल मूल, हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि कोई भी वायरल फीवर हो तो उसके लिए शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है, तो उस पे शरीर जितना जल्दी मैंने रिकवर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीमारी मतलब क्योरेबल है ना? हाँ, ये सेल्फ क्योर्ड है ना, वायरल फीवर है तो ये सेल्फ क्योर हो जाएगा। कितने दिनों तक ये चलता है? मोटा मोटी आप समझ लो कि 7 से 9 दिन के बीच में ये सेल्फ क्योर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे को तकलीफ भी काफी होता है वो हफ्ता दस तकलीफ दिन बहुत होते हैं अगर किसी को ये बीमारी से, आपको पैंक्रियाज में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस बीमारी से, आपको ऑर्काइटिस बोल के एक अंडकोश का भी बीमारी हो सकता है जो कि बहुत ही पेनफुल होता है, तो वो सारा चीज कम होते हैं लेकिन होने का चांसेस बहुत रह जाता है। थैंक यू डॉक्टर।